लाखों की गर्दी है यहाँ पर, और किस तरह से लोगों को जो व्यापारी है उनको सुविधा दिया गया है? जी सर, देखिए हमारे पास से जैसे कि सबको पता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है, और जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पर हमारे पास बकरे ये ईद के त्यौहार के मौके पर देवनार पुष्पोत्सव में आते हैं। हर साल की तरह ब्रह्मबई महानगर पालिका ने यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम कर रखा है, जैसा कि जानवरों के लिए शेड होते हैं, जानवरों के लिए पानी है, उसके बाद साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, उसके बाद उनके जानवरों को खाने के लिए इंतज़ाम होता है, वो भी सब हर तरीके के इंतज़ाम यहाँ पे कर रखे हैं। उसके बावजूद जानवरों को जो पशु वैद्य की सुविधा देनी होती है उसके बारे में भी हमने सोच रखा है, और वो डॉक्टर भी जो होते हैं पशु वैद्य के डॉक्टर हमने 3 शिफ्ट में लगा रखे हैं। इसके बावजूद हमने इस बार जो हमने देखा है कि हर साल की तरह बकरा चोरियों की इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है, तो ये ध्यान में रखते हुए हमने हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें लाने की कोशिश की है। इस साल भी हमने जो QR कोड सिस्टम है हमारा, वो QR कोड सिस्टम के माध्यम से हमने व्यापारी जितने भी बकरे लेकर के आता है उतने QR कोड उसके साथ में दिए जाते हैं, और जब बकरा जैसे बिकता है तो हमने व्यापारी को सलाह दी है या व्यापारी को सूचना दी है कि वो जो पर्ची होती है वो पर्ची खरीदने वाले के हाथ में दी जाए, और वो खरीदने वाले ने जो गेट से निकलना होता है वहाँ पर उसको स्कैन करके ही बाहर निकले, ताकि अगर बकरा अगर चोरी का अगर होता है तो वो बकरा बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो स्कैन ही नहीं होगा। इस तरीके हमने कुछ प्रयास लिए हैं। उसके बावजूद हमने देखा है कि हर साल बकरी ईद के मौके पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं व्यापारी, तो उनके लिए भी हमने इस बार जो बकरे का बाड़ा होता है उसके अंदर ही एक छोटा सा एक मचान दे करके रखा है, ताकि वो मचान के निचले हिस्से में वो अपना खाने पीने का सामान रख सकता है और ऊपर उसके रेस्ट करने के लिए उसकी सुविधा है। तो ये एक हमने एक अहम उसमें सुविधा इस बार दे रखी है। इसके बाद आपने देखा है कि यहाँ पर जो आखिरी के 3 दिनों में जो कुर्बानी की तैयारियाँ होती हैं उसमें उसमें हमने ख़ास तौर से इस बार ध्यान दिया है, और हम जनता से यानी कि जो कुर्बानी करने वाले नागरिक हैं उनसे अपील करते हैं हम लोग कि इस बार हमने जो एक स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दे रखा है वो MyBMC ऐप पर आप जा करके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप में हमने ये स्लॉट बुकिंग की सुविधा दे रखी है। तो उसमें आप अगर मान लीजिए आपको 17 तारीख को अगर ईद है तो 17 के दिन में से सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का कोई भी स्लॉट आप चूज़ कर सकते हैं उसमें। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट डे का भी स्लॉट चूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 3rd डे में भी आप कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके के ऐप से इस तरीके के ऐप से आपको जनता को फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी भीड़ जो लगी होती है उसी दिन ईद के दिन वो यहाँ पर भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, और इसका अमल अगर 25-30% भी होता है तो इसमें सबको राहत मिलने की संभावना है। उसके बावजूद हमने दूसरे भी कुछ एप्लीकेशंस तैयार किए हैं, जैसा कि बाहर स्लॉटर का इंतज़ाम जो होता है, बाहर जो बकरों की कुर्बानी जो बाहर होती है, जो यहाँ से ख़रीदा हुआ बकरा जो बाहर जाता है, उसके लिए भी ऐप में जा करके, वही ऐप है MyBMC ऐप में जा करके वहाँ पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और वहाँ जा करके जो महानगर पालिका ने पहले से ही कुछ स्लॉट्स प्री डिसाइडेड स्पॉट्स हैं, प्री डिसाइडेड लोकेशंस हैं, वहाँ पर इस तरह की सुविधा दी गई है, जैसा कि म्यूनसिपल नॉनवेज मार्केट्स होते हैं, उसके बाद जो सोसाइटी परमिटेड जो प्लेसेस होते हैं, जो सोसाइटी में अगर सोसाइटी ने परमिशन दी है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके बावजूद कुछ प्राइवेटली ओन्ड प्लेसेस हैं वहाँ भी कुर्बानी कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंतज़ाम हमने इस बार कर रखा है, और हम जनता से ये भी अपील करते हैं कि जब देवनार में आए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ना लेकर आए, बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को ना लेकर आए देवनार में, क्योंकि यहाँ से आगे अभी थोड़ा सा भीड़ बढ़ने की संभावना होती है, तो ये एहतियातन कदम आपको उठाना है, जनता से हम अपील करते हैं। और सुबह 6 से 10 के बीच में देवनार पशुपतगृह में कोई भी ना आए, क्योंकि ये वक्त जो है ये साफ़ सफाई का वक्त होता है, तो इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। सर, कोई हेल्पलाइन ऐसा है जो आपके तरफ से जारी किया है कि जनता को बताना चाहिए? जी, इसमें हम ये भी बता देना चाहते हैं कि पूरे ये जो पूरा जो एरिया है जहाँ पे पूरा मार्केट भरा हुआ है, इसमें हमने एक कंट्रोल रूम लगा रखा है। उस कंट्रोल रूम में हमने पूरे हर तरीके के ऑफिसर्स हमने लगा रखे हैं, और वहाँ पे जो भी एक 4 हेल्पलाइन नंबर है हमारे,
वो हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके लोग हम तक पहुंच सकते हैं और अपनी अपनी ग्रीवेंस है, जो भी अपनी तकरार है, वहाँ पे हमको दे सकते हैं।